हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है कुकिंग चैनल पैन टू प्लेट में। आटे के स्नैक्स और अलग अलग तरीके के आटे की रेसिपीज हमने बहुत बनाई हैं, और जैसे कि गर्मियों का मौसम शुरू हो चुका है और सभी गृहिणी अपने घरों में अलग अलग पापड़ बना रही हैं, तो हम भी आज अलग तरीके से गेहूं का पापड़ बनाएंगे। इसे आप साल भर स्टोर करके रख सकते हो। इसकी जो सामग्री है बहुत ही सरल सी है, बहुत ही आसानी से घर में मिल जाएगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं बहुत ही आसान और सरल गेहूं के पापड़। अगर आपको गेहूं के पापड़ की रेसिपी पसंद आए तो डेफिनेटली लाइक सब्सक्राइब शेयर और नोटिफिकेशन बेल बटन ऑन करना ना भूलिए डेली रेसिपीज अपडेट के लिए। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। हम यहाँ पे एक कप गेहूं का आटा ले रहे हैं। इसमें हम एक टीस्पून दरदरी कुटी हुई काली मिर्च डालेंगे, साथ ही साथ एक टीस्पून जीरा। हम यहाँ पानी डालते जाएंगे और मिलाते जाएंगे। हमें ये ध्यान रखना है कि इसमें गुठलियाँ नहीं पड़नी चाहिए। हम यहाँ पे कुल मिला के 1.5 कप पानी डालेंगे। तो देखिए हमने अच्छे से मिला लिया है और इसमें गुठलियाँ भी नहीं है। अब इसके बाद हम 1.5 टीस्पून नमक और 1/2 टेबलस्पून पापड़ खारो डालकर मिला लेंगे। अगर आपके पास पापड़ खारो नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप इसमें 1 टीस्पून बेकिंग सोडा डाल सकते हो। तो गेहूं का घोल तैयार हो चुका है। इसकी जो कंसिस्टेंसी है ना वो बहुत पतली है ना गाढ़ी है, एकदम मीडियम सी है। हम यहाँ पे साचा ले लेंगे और इस साचे को हम तेल से ग्रीस कर लेंगे। अगर आपके पास साचे का बर्तन नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप उठे हुए किनारों वाली प्लेट भी ले सकते हो या फिर कोई गहरा बर्तन। तो हमने इसे ग्रीस कर लिया है। अब गेहूं का जो बैटर हमने तैयार किया है वो हम ट्रांसफर कर लेंगे इसमें। तो गेहूं का बैटर हमने ट्रांसफर कर लिया है। हमने यहाँ पे इडली का बर्तन लिया है और इसमें हमने 1.5 कप पानी डाला है और गैस को हमने मध्यम आंच पर रखा है। अब सांचे को हम रख देंगे और ढक कर 15 से 20 मिनट तक हम इसे भाप देंगे, यानी कि स्टीम देंगे। तो 15 मिनट हो चुके हैं, हम अब चेक कर लेते हैं कि गेहूं का बैटर तैयार हुआ है कि नहीं। गेहूं का आटा ढोकले की तरह लग रहा है। हम टूथपिक की सहायता से चेक कर लेते हैं कि परफेक्टली स्टीम हुआ है कि नहीं। तो देखिए ये एकदम क्लियर निकल रहा है, कोई चिपचिपाहट नहीं है इसके ऊपर। तो ये तैयार हो चुका है। अब गैस को हम बंद कर देंगे और सांचे को हम निकाल लेंगे। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म है तो इसे हम मैनेज नहीं कर सकते हैं, तो थोड़ा सा वार्म होने तक का इंतज़ार करेंगे। तो अब ये वार्म सा हो चुका है, ये बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है, ये मैनेजेबल है। तो इसे अब हम निकाल लेते हैं। देखिए बहुत ही आसानी से निकल गया है। हम इसे थाली पर निकाल लेंगे और चम्मच की सहायता से अगर आप कंफर्टेबल हो तो मसल लीजिए, नहीं तो आप हाथों का इस्तेमाल कीजिए। तो हम इस तरह से हाथों से मसल लेंगे और हम इसे गूंद कर एकत्र कर लेंगे। हमें बहुत ज़्यादा इसे गूंदना नहीं है, बस एकत्र ही करना है। तो देखिए हमने डो को बांध लिया है। हम गेहूं के आटे को कपड़े से ढक लेंगे ताकि गर्मी से जल्दी आटा सूखे नहीं। हमने यहाँ पे थोड़ा सा तेल लिया है। अब छोटी सी लोई ले लेंगे और इसे गोल आकार दे देंगे। हमने यहाँ प्लास्टिक शीट ली है। अब हम इस प्लास्टिक शीट पे थोड़ा सा तेल लगा लेंगे। हम लोई के ऊपर थोड़ा सा तेल लगा लेंगे और इस तरह से प्लास्टिक को ऊपर रख देंगे और हल्का सा हम इसे दबा देंगे और इस लोई को हम पतला बेल लेंगे। तो देखिए हमने पतला बेल लिया है। अब हम प्लास्टिक की शीट पर गेहूं के पापड़ को इस तरह से निकाल लेंगे। आप देख रहे हो मैंने किस तरह से पापड़ को निकाला है। आप चाहो तो यहाँ पे कटर की सहायता से या स्टील के ढक्कन की सहायता से पापड़ को शेप दे सकते हो।
तो ये भी एक तरीका है। आप चाहो तो पापड़ प्रेसिंग मशीन से भी पापड़ को प्रेस करके तैयार कर सकते हो। लेकिन मैं यहाँ पे कटर की सहायता से पापड़ को तैयार करूंगी ताकि एक प्रॉपर इक्वल शेप रहे सभी पापड़ के। तो हमने सारे गेहूं के पापड़ तैयार कर लिए हैं। इसे हम धूप में सुखा लेंगे। पापड़ को सुखाने के लिए एक दिन का वक्त लगेगा। इसे हमें तेज धूप में ही सुखाना है। तो पापड़ हमने सुखा लिया है और इसे सिर्फ एक दिन का ही वक्त लगा है तेज धूप में सूखने के लिए। आप इसे एक साल तक स्टोर करके रख सकते हो एयरटाइट कंटेनर में। तो अब इस पापड़ को हम तल लेते हैं। तो तेल यहाँ पे हमने तेज आंच पर गर्म कर लिया है। तेल यहाँ पे बहुत ही गर्म होना चाहिए। अब पापड़ को डाल देंगे। तो पापड़ की जो एक्चुअल साइज छोटी थी अब देखिए बड़ी सी हो गई है। आप इन दोनों के बीच में अंतर देख सकते हो। तो मैं यहाँ पे सुनाना चाहूंगी कि पापड़ क्रिस्पी है कि नहीं। तो आपने सुना ये कितने क्रिस्पी है। अब हम इसे टेस्ट करके भी देख लेंगे कि ये क्रंची बने हैं कि नहीं और इसका जो स्वाद है वो परफेक्ट है कि नहीं। आपने सुना इसी क्रंचीनेस को। नमक और काली मिर्च एकदम परफेक्ट है, एकदम परफेक्ट बैलेंस बना है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये आटे के पापड़ पसंद आए होंगे। आप इस गर्मी में ज़रूर बनाइएगा और इसका लुत्फ़ उठाइएगा। शुक्रिया, धन्यवाद। हमेशा की तरह आज का दिन भी आपका लाभकारी रहे।